जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर आज आप लोग के सामने और हमारी यूपी पुलिस 2024 का फुल नोटिफिकेशन डेट्स का मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम सारी की सारी डेट को जानेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है हमसे, क्या एक्चुअली वो डेट्स है या नहीं है या फेक न्यूज चल रही है, ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई भी एडिटिंग नहीं है, प्योर नोटिफिकेशन अपलोड हुआ था वही मैंने आपको डाउनलोड करके यहाँ पर आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देख लो साफ साफ लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखो ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन ऑफिशियल है। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं, हम लोग एक एक लाइन यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हमारी सूचना है। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, लिखित परीक्षा की तिथियों की सूचना प्रकाशन। अब देखो यहां पर 2023 देखकर कंफ्यूज मत होना, ये 2024 का ही नोटिफिकेशन है, बशर्ते ये वो ईयर लिखा हुआ है जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ठीक है ना, जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तब की ये क्या दी गई है हमको, तब की ये हमारा ईयर दिया हुआ है। ठीक है, यानी इस ईयर में वो क्या नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया था। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, अब लिखा हुआ है लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा की तिथियों की सूचना का प्रकाशन। ठीक है ना, लिखित परीक्षा की तिथियों की सूचना का प्रकाशन। ठीक, संख्या वीआरपी ये सब ठीक है, दिना देखो कब रिलीज हुआ था, 27 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ था, जनवरी 27 2024 को हम लोग लेट नोटिफिकेशन इसलिए लाए फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की संख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 23/12/2023 को अनुक्रम के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा निम्न तिथियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अब देखिए ये साफ साफ कह रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था ना डेट, वो ईयर जो ये 23 दिसंबर 2023 यानी 23 दिसंबर 2023 को जो नोटिफिकेशन आया था ये ईयर वही वाला है, यानी कि 2024 का ही नोटिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रियल है सारी। उसके बाद लिखित परीक्षा होनी है, यानी कि डिजिटल ऑनलाइन ऐसी परीक्षा नहीं होनी है, हमारी लिखित परीक्षा होनी है। उसके बाद दिया गया है, देखिए क्या दिया है, क्रम संख्या, उत्तर प्रदेश भर्ती का नाम, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की जो सीधी भर्ती होने वाली है हमारी, वो सारी की सारे नोटिफिकेशन यहां पर हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिनांक क्या लिखा हुआ है, 17 फरवरी 2024 एवं दिनांक 18 फरवरी 2024। कौन कौन सी डेट पे एग्जाम होने वाला है, 17 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, ये डेट मतलब कंफर्म एकदम आप लोग रट लो कि 17 और 18 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन होने वाला है। तो भाई जिनके वैलेंटाइन है उनको आप टाटा वाइवा कर दो, क्योंकि 14 तारीख तक आपके एकदम फिक्स हो जाने वाले हो पढ़ाई पर अपने, और अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, उसके बाद देखो वैलेंटाइन वीक तो आपका गया, वैलेंटाइन डे भी है फिलहाल, अभी हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखो क्या कह रहा है हमसे, उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट upp.bnb.gov.in http://upp.bnb.gov.in पर अभ्यर्थियों को डाउनलोड किए जाने हेतु राजनय उपलब्ध होगा। ठीक है, अब देखो ये यथासमय उपलब्ध होगा, देखो ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो भी भर्ती है, ठीक है, हमारी जो भी भर्ती, ये जो भर्ती इन्होंने यूपीपी की जो इन्होंने लॉन्च करी है, जो निकाली, जो इश्यू करी है, उसकी जो ऑफिशियल साइट है ये वाली हमारी, इस पर हम जा करके अपना एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पर। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट http://upp.bnb.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उसमें अंकित तिथि एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए सीधी सी बात है, आपका जो एडमिट कार्ड लिया रहेगा, आपको जो देंगे वो एडमिट कार्ड जो वहां से इशू होगा, उसमें आपकी डेट दी हुई होगी, आपकी टाइमिंग दिया होगा, आपका वेन्यू दिया होगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटी और व्हाटएवर यू कैन से, आप अपने हिसाब से जिस भी टाइम आपको ठीक लगे उस टाइम पर आपको वहां उपस्थित होना जरूरी है। और ये भी याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी ऐसी साइट से मत आप लोग रिसीव कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, या कोई भी फेक साइट से आप मत डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, कि बाद में आपको दिक्कत हो, बाद में आपको कोई इश्यू हो, उस पर आप मत परेशान होइएगा। आप सिर्फ ऑफिशियल साइट पर जाकर या सरकारी रिजल्ट हमारी जो बेस्ट साइट है उस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा,
यह सूचना अभ्यर्थियों की सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि की जाती है कि वे अग्रता महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड की वेबसाइट sdpupbnb.gov.in का अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा संबंधी समस्त सूचना निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त की जाएगी। अब देखो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि आप लोग किसी भी फेक वेबसाइट के थ्रू अपना नोटिफिकेशन चेकआउट मत करना। कोई भी फेक वेबसाइट पर जाकर के ये चीज मत चेकआउट कर लेना कि कैसा सीन चल रहा है, क्या है, कुछ अपडेट आया कि नहीं आया, कुछ अपडेट आया कि नहीं आया, कुछ पता है। फेक वेबसाइट पर आप जाओगे आप ही का लॉस होगा, आपका ही टाइम लॉस होने वाला है। तो प्लीज पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पर आप डाउट क्लियर कर सकते हो। आपकी 17 और 18 फरवरी की जो डेट है ये एकदम 100% श्योर डेट है आपकी। और आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, करंट अफेयर्स की हमारी पूरी सीरीज चल रही है इसी चैनल पर। आप जाकर के एक प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करके बना दी है, उस पर आप करंट अफेयर्स चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम अपलोड हो चुकी है, सारी की सारी चीजें यहां पर आपको चल रही है। और जो भी चीज की आपको जरूरत हो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।